गौरी को सेंड कर। सो हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। आज की इस क्लास में आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत स्वागत है। आज पाप मोचनी एकादशी है। आज के सुंदर दिवस पर, बहुत ही शुभ दिन पर हम जो है नारद भक्ति सूत्र का 12वें नंबर का जो सूत्र है वो पढ़ेंगे। तो हमने 11 तक पढ़ लिया था और उसमें हमने देखा था कि भक्ति के महत्व के बारे में बता रहे थे, और उन्होंने नारद भक्ति सूत्र के 11th श्लोक में ये इम्प्लीमेंट किया गया कि उदासीनता का मतलब क्या होता है। तो जब हम जो सामाजिक धर्म है या जो हमारे वैदिक जो कर्म कांड है उन क्रियाओं में हम ग्रहण नहीं करते हैं, और जो भगवान की भक्ति के अनुकूल चीजें हैं उनको ग्रहण करते हैं, उसको उदासीन कहते हैं, उसको उदासीन कहते हैं। सो जो 11th में हमने ये सब देखा और उसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया। कई लोगों के फीडबैक आए थे कि उनको ये बात बहुत अच्छी लगी, ये जो 11th सूत्र है इसमें काफी कुछ सीखने को मिला। तो आज हम 12th सूत्र पढ़ेंगे, उसके पहले हम प्रेयर्स कर देते हैं। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप प्रदामयं ददाति स्वपदाम्बिकम्। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले शिवदे लोकाय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत वेदांत शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम उद्धवम शास्त्र रक्षणा। फिर से पढ़ते हैं, भवतु निश्चये दार्यात् उद्धवम शास्त्र रक्षणम। अनुवाद, यह दृढ़ निश्चय हो जाने के बाद भी कि केवल भक्ति में सेवा ही जीवन की पूर्णता तक पहुंचाने का माध्यम है, व्यक्ति को शास्त्र आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। तात्पर्य, यस परमपिता माता जी पढ़ेंगे तात्पर्य। अनम्यूट योरसेल्फ। जब कोई व्यक्ति भक्ति में सेवा के महत्व के विषय में दृढ़ता से आश्वस्त हो जाता है तो वह भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है। शरणागति के 6 लक्षण इस प्रकार हैं। कृष्ण, पहला, कृष्ण की भक्ति में सेवा के अनुकूल कार्य का ही प्रतिपादन। सेकंड, भक्ति में सेवा के प्रतिपादन के समस्त प्रतिकूलताओं का वर्जन। थर्ड, यह दृढ़ विश्वास कि कृष्ण सब परिस्थितियों में मेरी रक्षा करेंगे तथा कृष्ण से उत्तम रक्षक कोई नहीं है। यह दृढ़ता स्वयं को कृष्ण के समान समझने वाले अद्वैत दर्शन से पृथक होनी चाहिए। इसके स्थान पर व्यक्ति को सदा यही समझना चाहिए कि कृष्ण महान है तथा मेरे लिए मेरे नित्य रक्षक हैं। नंबर 4, कृष्ण के पालन करता होने की दृढ़ता तथा निर्वाह हेतु किसी अन्य देवता का आश्रय नहीं लेना। नंबर 5, नित्य स्मरण कि मेरी क्रियाएं तथा इच्छाएं स्वतंत्र नहीं हैं। अन्य शब्दों में, भक्त को कृष्ण पर पूर्ण निर्भर होने का अनुभव करना चाहिए तथा कृष्ण की इच्छा अनुसार ही चिंतन व कार्य करना चाहिए। नंबर 6, अपने को सदा अकिंचनों में भी अकिंचन विचारना तथा कृष्ण की कृपा पर पूर्णतः निर्भर रहने का अनुभव करना। शरणागति के इन 6 सिद्धांतों को का पालन करने वाला भक्त सदा सोचता है, हे प्रभु, मैं हर प्रकार से तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा नित्य दास हूँ। इस प्रकार शुद्ध भक्त निर्मल हो जाता है। श्रीमद् भागवतम
11.29.34 में इस संदर्भ में एक सुंदर श्लोक है। सत्यो यदा त्यक्त समस्त कर्मा निवेदितात्मा विचिकोषिता में तदा अमृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयात्मा भूयाय च कल्पते वै। और पढ़ो इसका भावार्थ पढ़ी। जो व्यक्ति समस्त सकाम कर्मों को त्याग कर मेरी सेवा की तीव्र इच्छा से स्वयं को पूर्णतः मुझे अर्पित कर देता है वह जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाता है तथा मेरे निजी ऐश्वर्यों में हिस्सा पाने के पद पर पदोन्नत होता है। ऐसे भक्ति में जीवन तक उत्थान हेतु व्यक्ति के शास्त्रों के निर्देशों का पालन करना होता है, किंतु भक्ति में जीवन तक पहुँच कर भी व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए मैं अब उच्चतम अवस्था तक पहुँच गया हूँ, अतः मैं भक्ति में सेवा के प्रतिपादन हेतु शास्त्रीय उल्लंघन कर सकता हूँ। थैंक यू माता जी। नंदीमुखी माता जी आगे पढ़ी। प्रत्येक सेवा भक्तिमय सेवा प्रत्येक जीव में सुप्त है, क्योंकि प्रत्येक जीव स्वभाव से ही भगवान का अविच्छिन्न अंश है तथा अंश की स्वस्थ स्थिति पूर्ण की सेवा करने की होती है। यह शरीर के विभिन्न अंगों के ही समान है, हाथ तथा पैर शरीर की सेवा करते हैं। इसी प्रकार प्रत्येक जीव भी अपनी स्वस्थ स्थिति में भगवान का अंश होने के नाते उनकी सेवा करने को बाध्य है। जब वह इस प्रकार नियुक्त नहीं होता तो वह रोग ग्रस्त स्थिति में होता है, किंतु जैसे ही वह अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमामयी सेवा में संलग्न करता है तो वह अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्वस्थ स्थिति में होता है। आगे पढ़ो। थैंक यू माता जी। सुकुमारी माता जी आगे पढ़िए। प्रमाणिक शास्त्रों के निर्देशों के अनुसार तथा प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में ही भक्त को अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करना चाहिए। कान को भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के शिक्षाओं के श्रवण में लगाना भक्ति में प्रशिक्षण का आरंभ है। आध्यात्मिक ज्ञान के कई प्रमाणिक ग्रंथ हैं, किंतु वे सारे न्यूनाधिक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम के ही परिशिष्ट हैं। यहाँ तक कि नारद भक्ति सूत्र भी भगवत गीता एवं श्रीमद् भागवतम का सारांश है। अतः भक्तिमय सेवा का आरंभ इन दो महत्वपूर्ण दिव्य ज्ञान ग्रंथों का श्रवण है। प्रमाणिक गुरु द्वारा इन्हीं दो ग्रंथों के श्रवण मात्र से व्यक्ति भक्तिमय सेवा के बारे में चेतन होता है, जो हृदय में सुप्त होती है। गुरु के मार्गदर्शन में एवं शास्त्रीय निर्देशों के अनुसार भक्तिमय सेवा का प्रतिपादन वैधि भक्ति कहलाता है, जो साधन भक्ति का विभाग है। साधन भक्ति का अन्य विभाग रागानुगा भक्ति है। माता जी पढ़ूं आगे? रागानुगा भक्ति के नेक्स्ट पैराग्राफ। थैंक यू माता जी। नेक्स्ट पैराग्राफ सॉरी माता जी पढ़े। नीरू माता जी नंदनीकांता माता जी आर यू देयर? यू वांट टू रीड? हरे कृष्ण माता जी चंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण पढ़िए पढ़िए। हाँ जी, रागानुगा भक्ति के स्तर पर प्रगति करने के इच्छुक को गुरु के निर्देशन में प्रमाणिक शास्त्रों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। सूत्र 12 के अनुसार भक्ति में सेवा के उत्कृष्ट स्तर पर व्यक्ति को भी शास्त्रों के विधि निर्देशों का निषेधों का पालन करना चाहिए। फिर उस स्तर से नीचे के व्यक्तियों का तो कहना ही क्या। अन्य शब्दों में भक्ति में सेवा में नौसिखियों को विशुद्ध भक्ति में सेवा के स्तर तक उठने हेतु गंभीरता एवं तत्परता से शास्त्रों के विधि विधानों का अनुसरण करना चाहिए। थैंक यू माता जी। आनंद प्रदा यू जैसा कि हरे कृष्णा, जैसा कि ऊपर वर्णित है भक्त दृढ़ता से वैधि भक्ति का अभ्यास करता है। श्रीमद् भागवतम 2.15 में वर्णित वैधि भक्ति का प्रधान सिद्धांत यह है, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि
श्रोतव्य कीर्तित व्याक्षश्च समर्थव्यक्ष चथा भयम्। अर्थात भक्ति में सेवा में गंभीरता पूर्वक प्रगति चाहने वाले व्यक्ति को सदा परम पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण कीर्तन तथा उनकी लीलाओं को श्रवण करते रहना चाहिए। पढ़ना माता जी आगे। थैंक यू सो मच। आगे प्रिय दर्शनी पढ़िए। पालन में यह प्राथमिक सिद्धांत है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, मुख बाहुरु पादिभया पुरुष या श्रमे सह चतवारो जगीरे वर्णा सुनेर विप्रदाय पृथक। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वे कोई भी हो, भगवान के विराट पुरुष स्वरूप से ही निसृत होता है। ब्राह्मण मुख से निसृत होते हैं, क्षत्रिय बाहुओं से, वैश्य जंगाओं से एवं शूद्र चरणों से निसृत होते हैं। किंतु हम जहाँ कभी कहीं भी स्थित हो, हमें परम पुरुषोत्तम भगवान की सेवा में किसी कार्य विशेष का संपादन करना होता है। अतः यदि हम अपनी विशिष्ट प्रवणताओं को भगवान की सेवा में नहीं लगाते तो हम पतित हैं, शरीर से कटे हुए बेकार अंग के ही समान। थैंक यू माता जी। आयुध की सेवा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। पद्म पुराण के अनुसार शास्त्र के सभी विधानों का सार यही है कि भगवान विष्णु या कृष्ण का सतत स्मरण हो और कभी भी विस्मरण ना हो। अतः हमें अपनी जीवनों को कुछ इस प्रकार ढालना होगा कि हर क्रिया में हम भगवान का स्मरण कर सकें। भगवान का स्मरण कराने वाली प्रत्येक क्रिया भक्ति में सेवा में वैधानिक सिद्धांत है एवं भगवान का स्मरण कराने वाली प्रत्येक क्रिया भक्ति हेतु वर्जित क्रिया है। चैतन्य चरितामृत मध्य 22.115-27-28 में भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्ति में सेवा के उच्चतम स्तर तक पहुंचने हेतु 64 वैधानिक सिद्धांतों का वर्णन करते हैं, जिनका पालन हमें अवश्य करना चाहिए। एवं जैसा सूत्र 12 में बलपूर्वक कहा गया है, भक्ति में सेवा के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचकर भी व्यक्ति को भक्ति में जीवन हेतु शास्त्रोक्त निर्देशों का पालन करते रहना चाहिए। 64 वैधानिक सिद्धांत इस प्रकार हैं। नंबर एक, प्रमाणिक गुरु को वन मिनट माता जी। नरसिंह सती माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण। प्रमाणिक गुरु स्वीकार करना। नंबर दो, गुरु से दीक्षित होना। तीन, गुरु की सेवा में स्वयं को नियुक्त करना। चार, गुरु से निर्देश पाना एवं भक्तिमय सेवा के पथ पर प्रगति करने संबंधी जिज्ञासा करना। पांच, पूर्व आचार्य के पदचिन्ह का अनुसरण करना तथा गुरु के निर्देश का पालन करना। छह, कृष्ण की संतुष्टि हेतु किसी भी वस्तु का त्याग करना एवं कृष्ण की संतुष्टि हेतु किसी भी वस्तु को स्वीकार करना। सात, ऐसे स्थान पर निवास करना जहाँ कृष्ण हो, वृंदावन या मथुरा जैसे शहर या श्री कृष्ण का मंदिर। आठ, भक्ति में सेवा के प्रतिपादन हेतु सुविधा पूर्वक रहते हुए जीविका उपार्जन को कम से कम कर देना। नौ, एकादशी सदृश उपवास करना। दस, गौओं ब्राह्मणों वैष्णवों तथा वटवृक्ष सदृश पवित्र वृक्षों की पूजा करना। अदिति माता जी पढ़ेंगे इसके आगे। अदिति माता जी आप हैं। चंद्रावली माता जी पढ़िए आगे। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। भक्ति में सेवा के ये 10 सिद्धांत प्रारंभिक है। अन्य सिद्धांत इस प्रकार के है, पवित्र नाम विग्रह आदि के प्रति अपराध से बचना, अभक्त के 12 नंबर अभक्त के संग से बचना, 13 अनेक शिष्य होने के स्पृहा से रहित होना, 14 विज्ञान देखने हेतु अनेक ग्रंथों का अल्प अध्ययन करके अनावश्यक ध्यान नहीं बांटना चाहिए। भक्तिमय सेवा के लिए भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चरितामृत सदृश ग्रंथों का समायक अध्ययन पर्याप्त है।
15 लाभ या हानि से उद्वेग नहीं करना। 16 नंबर किसी भी कारण से शोक द्वारा अभिभूत नहीं होना। 17 नंबर देवताओं की निंदा नहीं करना, यद्यपि उनका पूजा भी नहीं करना। इसी प्रकार अन्य शास्त्र की निंदा नहीं करना, यद्यपि उनके वर्णित सिद्धांतों का पालन ना करना। भगवान या उनके भक्त की निंदा सहन ना करना। स्त्री पुरुष संबंध के विषय जैसे व्यर्थ वार्ताओं में भाग ना लेना। किसी भी प्राणी को अनावश्यक उद्वेग नहीं पहुंचाना। और बड़े माता जी, थैंक यू माता जी। नहीं, थैंक यू। यस गौरी, आपके पास बुक है बेटा जी? हरे कृष्ण पढ़ जी। हरे उपरोक्त वर्णित 20 तत्व भक्ति में सेवा का द्वार है, एवं उनमें से प्रथम 3 अर्थात गुरु का स्वीकृतिकरण, गुरु से दीक्षा एवं गुरु की सेवा सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद निम्न तत्व आते हैं। 21वां भगवान के बारे में श्रवण करना। 22nd उनके यश का गायन या कीर्तन करना। 23rd उनका स्मरण करना। 24th भगवान एवं उनके भक्तों के चरण कमलों का ध्यान एवं सेवा करना। 25th उनका पूजन करना। 26th उनसे प्रार्थना करना। 27th स्वयं को भगवान का नित्य दास मानना। 28th भगवान का सखा बनना। 29th भगवान को सर्वस्व समर्पित कर देना। 30th विग्रह के आगे नृत्य करना। 31 विग्रह के आगे गाना। 32 अपने जीवन के सब ब्योरों की सूचना भगवान को देना। 33 भगवान के आगे झुकना। 34 उपयुक्त समय पर खड़े होकर गुरु एवं भगवान को सम्मान देना। 35 गुरु या भगवान का जुलूस में अनुसरण करना। 36 तीर्थ स्थलों एवं भगवान के मंदिरों को जाना। 38 मंदिर की परिक्रमा करना। 37 मंदिर की परिक्रमा करना। 38 प्रार्थनाएं करना। 39 मधुर स्वर में भगवान नाम जप करना। 40 सम्मेलन में ऊंचे स्वर में भगवान नाम का कीर्तन करना। 41 विग्रह को अर्पित धूप एवं पुष्प को सूंघना। 42 विग्रह को अर्पित भोग को का उच्चिष्ट खाना। 43 विग्रह को अर्पित आरती एवं विशेष उत्सवों में जाना। 44 विग्रह को नियमित रूप से देखना। 45 अपने सबसे प्रिय संसाधनों को भगवान को अर्पित करना। 46 भगवान के नाम रूप लीलाओं इत्यादि पर ध्यान करना। 48 तुलसी के पौधे को सींचना। 48 भगवत भक्तों की सेवा करना। 49 वृंदावन या मथुरा में रहने का प्रयत्न करना। 50 श्रीमद् भागवतम के विषयों का आस्वादन करना। 51 कृष्ण के लिए सब प्रकार के खतरे उठाना। 52 सदा कृष्ण की कृपा की अपेक्षा करना। 53 भक्तों के साथ जन्माष्टमी तथा रामनवमी जैसे पर्व मनाना। 54 कृष्ण को पूर्ण समर्पण कर देना। 55 कार्तिक मास जैसे समय में विशेष विधानों का पालन करना। 56 शरीर को वैष्णव तिलक से सजाना। 57 देह को भगवान नामों से चिंतित करना। 58 भगवान को अर्पित प्रसादी पुष्प मालाओं को स्वीकार करना। 59 चरणामृत पीना। हरे कृष्ण माता जी, आगे पढ़ो माता जी। माता जी मैं पढ़ू? थैंक यू। मैं पढ़ू माता जी? अभी कोई रह गया? मैं पढ़ू माता जी? अनंग मंजरी माता जी? हाँ जी, हाँ हाँ अनंग मंजरी माता जी। कृष्णा माता जी, पढ़िए पढ़िए। इन 59 तत्वों में से 5 इतने महत्वपूर्ण हैं कि वे पृथक रूप से पुनः वर्णित हैं, जिससे भक्तिमय सेवा के 64 तत्व पूरे हो जाते हैं। ये 5 हैं: 60 भक्तों का संग करना, 61 भगवान नाम का जप करना, 62 श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना, 63 मथुरा सदृश तीर्थ स्थल में निवास करना एवं 64 श्रद्धा और विश्वास से विग्रह पूजा करना। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद रीडिंग करने के लिए। तो देखिए कितना
महत्वपूर्ण विषय है कि इसको एकदम लॉन्ग परफोर्ट लिखा है सत्य स्वरूप महाराज ने। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये बताने की कोशिश कर रहे हैं श्लोका में कि ये जब दृढ़ निश्चय हो जाता है कि अकेले कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हुआ है ना, तो श्रद्धा मतलब क्या होता है, चैतन्य चरिता में ये श्लोक बहुत फेमस है कि श्रद्धा शब्द कहे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, अकेले कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हुआ। कि जब भक्ति में शास्त्र पढ़ने से एसोसिएशन करने से वैष्णव एसोसिएशन करने से ये दृढ़ता आ जाती है कि एकमात्र कृष्ण की भक्ति करने से सभी कार्य हो जाएंगे, हमें जो धर्म सकाम कर्म से जो लाभ मिलने वाले हैं, जो ज्ञान से लाभ मिलने वाला है ना, जो योग लाभ मिलने वाला है, वो सारे फल निष्फल नहीं होते भक्ति में, बल्कि उन सबके अलावा कृष्ण प्रेम भी भक्ति में प्राप्त होता है। तो जब ये दृढ़ विश्वास हो जाता है तब ये होता है कि जीवन की पूर्णता तक पहुंचने का मार्ग, यही जीवन की पूर्णता मतलब बाद की केवल भक्ति में सेवा ही जीवन की पूर्णता तक पहुंचाने के लिए व्यक्ति को शास्त्राज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। तो जीवन की पूर्णता क्या है ये समझना, जीव को ये समझ में आ जाना कि वो संबंध ज्ञान क्या है उसका, यानी भगवान के साथ जब उसका संबंध ज्ञान निश्चित हो जाता है उसको समझ में आ जाता है तो व्यक्ति जो है फिर शास्त्र के अनुसार शास्त्र चक्र के अनुसार अपने सारे डिसीजंस अपने सारे आज्ञाओं का पालन अपने लाइफ को डिसाइड करना है और बड़ी श्रद्धा के साथ शास्त्र का पालन करना। तो इसको कहते हैं भक्ति में सेवा में जीवन की पूर्णता प्राप्त करना। तो जब हम पूर्णता प्राप्त करते हैं तो व्यक्ति शास्त्र बहुत ज्यादा विश्वास हो जाता है कि शास्त्र जो है ये भगवान कृष्ण से आया है और उसमें कोई दोष नहीं। तो अभी हम जो आश्रय लेते हैं ज्ञान का, अभी हमारा जो वर्कशॉप हुआ था आर्ट ऑफ स्मार्ट वर्क, उसमें हमने देखा था थिंकिंग जो होती है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। किसी भी वर्क में स्मार्टनेस लाने के लिए, अच्छी चेंज लाने के लिए हमें टैप फॉर्मूला पर बेस्ड करना पड़ता है। टैप फॉर्मूला थिंकिंग एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ये तीन आस्पेक्ट। किसी भी चीज को सोचने समझने करने से पहले हमारा थिंकिंग विचार चिंतन या फिलॉसफी क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थिंकिंग यानी चिंतन, हमारा विचार क्या है, अब विचार कहाँ से आती है कि हम जिस चीज का आश्रय लें। अगर हम मेटीरियल जगत की नॉलेज का आश्रय लेते हैं तुम्हारे सारे विचार उसके हिसाब से, लेकिन जब हम आध्यात्मिक स्क्रिप्चर्स का आध्यात्मिक एसोसिएशन के हिसाब से हम अपना थिंकिंग बनाते हैं तो हमारा जो थिंकिंग होता है वो आगे हो जाता है। थिंकिंग की कई कैटेगरीज होती हैं, क्रिएटिव थिंकिंग होती है ना, हमने पढ़ा है प्रभु जी के सेमिनार में भी हमने देखा है कि थिंकिंग कई प्रकार की होती है ना, तो सबसे गुड थिंकिंग भी होती है, मिरेकल थिंकिंग जो होती है सबसे अच्छी होती है। व्हाट इज मिरेकल थिंकिंग एंड नॉर्मल थिंकिंग? नॉर्मल थिंकिंग होती है कि एक होना, हाँ हमें कुछ अच्छा कर्म करना चाहिए, लेकिन उससे भी अच्छी थिंकिंग होगी कि एटलीस्ट हम गुड थिंकिंग पर रहे, है ना, सत्वगुणी थिंकिंग कम से कम रहे हमारे हर चीज, है ना, हमारे जितने भी एक्शंस हैं, जितने भी बातें हैं या जो भी समस्याएं हैं हमारे जीवन की, उनको जब हम देखते हैं एटलीस्ट हम गुडनेस के मोड में रहे। लेकिन गुडनेस से भी अच्छा जो थिंकिंग होती है वो होती है कि क्रिएटिव थिंकिंग, कुछ एक्स्ट्रा सोचना, एक बॉक्स से ऊपर सोचना। लेकिन इनसे भी सुंदर जो थिंकिंग होती है वो होती है मिरेकल थिंकिंग। मिरेकल थिंकिंग होती है जो हमें शास्त्र से प्राप्त होती है, वैष्णव के एसोसिएशन में जो थिंकिंग प्राप्त होती है वो थिंकिंग जो होती है वो सर्वश्रेष्ठ। थिंकिंग आपकी कैसी है वैसा ही आपका लाइफ स्टाइल रहेगा। तो जब हम एक वैष्णव बनते हैं, जब हम एक वैष्णव बनते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो क्या होता है कि अपनी थिंकिंग को शास्त्र के हिसाब से बनाना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू अंडरस्टैंड। अरे किसना मेरी आवाज आ रही है आपको?
नहीं। हरे कृष्ण, मेरी आवाज आ रही है? आ रही माता जी, आ रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंकिंग है कि हमारी जैसी थिंकिंग होती है वैसी जीवनचर्या होता है, वैसे हमारे आदर्श होते हैं और उसी के हिसाब से हम एक्शन करें। तो जब हमारी मिरेकल थिंकिंग हो जाएगी, जब हमारी शास्त्र के अनुसार थिंकिंग हो जाएगी, वैष्णव थिंकिंग होती है, तो हमारे एक्शन यानी TAB टैब फॉर्मूला जो बताया, तो हमारा एटीट्यूड और बिहेवियर दोनों चेंज हो जाता है। हमारे मन की दशा और फिर हमारा जो कर्म होता है, एक्शन होता है, उसमें चेंजेस आते हैं। तो इस तरह से चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जब व्यक्ति भक्ति में सेवा के महत्व के विषय में दृढ़ता से आश्वस्त हो जाता है ना, तब वो क्या करता है, भगवान के प्रति वो शरणागत हो जाता है। क्योंकि शास्त्र में बार बार यही बताया जाता है कि कैसे जीव भगवान से विमुख होने के कारण नाना प्रकार के दुख झेल रहा है। दवाई खा लेने से सारे दुख दूर नहीं हो सकते। हम जो मटेरियल जगत में आश्रय लेते हैं अपने दुखों को दूर करने के लिए, तो हम ये समझ लें कि हमारा जो दुख है, मेन दुख जो है जन्म मृत्यु चरा व्याधि, ये जो है आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक, ये किसी मटेरियल सॉल्यूशन से सॉल्व नहीं होगा। ये जो दुख है हमारा, ये केवल स्पिरिचुअल सॉल्यूशन से ही सॉल्व होगा। इसलिए हमारा जो दुख है, पहले इसको पहचानना चाहिए कि हमारा रोटी कपड़ा और मकान धन कमाना सलूशन नहीं है, ये शरीर की प्रॉब्लम है। हम सोचते हैं रोटी कपड़ा मकान धन ये जो है ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। नहीं, रोटी कपड़ा मकान धन कमाना हमारी समस्या नहीं है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये हमारी समस्या, आदि दैविक आदि भौतिक आदि आध्यात्मिक, ये जो हमारे जो दुख है ये हमारी रियल प्रॉब्लम। जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो कहते हैं इसको कैसे दूर कर सकते हैं, जिसको केवल भगवान कृष्ण के शरणागत होकर दूर किया जा सकता है, क्योंकि हम उनसे विमुख हैं इसलिए हम दुखों में पड़े, और उनके उन्मुख होने पर हम जो है वो सुखी हो जाए। तो भगवान की शरणागत होने का मतलब क्या होता है, तो शास्त्र में एक्सप्लेन करते हैं, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलेन वर्जित रक्षति इति विश्वासो होपतृत्व वर्णे तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणा। ये शरणागति, अगर कोई व्यक्ति, हम लोग बार बार अपने दैनिक जीवन में बोलते हैं शरणागति शरणागति, लेकिन शरणागति का मीनिंग क्या है? यहाँ पे शास्त्र में बताते हैं कि भगवान के जो शास्त्र में बताए गए नियम है उनके हिसाब से हम अपना जीवन जब जीते, जब हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं अपनी चीजों में, हाँ ठीक है शास्त्र में तो लिखा है लेकिन अब हम क्या करें, हमारी परिस्थिति ऐसी है, हम बार बार एक्सक्यूज देते, मतलब क्या, हम अपने स्तर जो है हमारा रजोगुण और तमोगुण से ऊपर नहीं उठाए, इवन मैं सत्वगुण में भी इस प्रॉब्लम में नहीं, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में नहीं। जब हम सत्वगुण स्टेज पर भी नहीं रहेंगे तो हम भक्ति की क्रियाकलापों को कभी नहीं समझ सकते, समझना होगा। तो दृढ़ विश्वास जब होता है तो कहता है अनुकूल जो चीजें होती है, कितना भी डिफिकल्ट हो, जो डिवोटी होता है उन सारी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर, और क्या होता है जो भक्ति के प्रतिकूल चीजें हैं, और ये हम डिसाइड नहीं करेंगे कि अनुकूल क्या है प्रतिकूल क्या है, ये उपदेशामृत में एक्सप्लेन किया गया है श्रीपाद रूप गोस्वामी के द्वारा। किसे याद है कि भक्ति के अनुकूल क्या क्या है उपदेशामृत में? रेज योर हैंड्स। हरे कृष्णा, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? किसी को याद है उपदेशामृत में श्लोका है जिसमें भक्ति के अनुकूल चीजें बताई गई हैं? नहीं तो अगर हमको हमारे ऊपर छोड़ देगा तो हर व्यक्ति अपने अनुकूल डिसाइड करने लगेगा, अनुकूल नहीं डिसाइड। यस, खाली एक ही हैंड खड़ा है प्रेम मंजरी। ओके यस माता जी, मैं बोलूं? प्रेम मंजरी, मंजरी बोल रही है। ऐसे उत्साह धैर्य तत्त कर्म परिवर्तनात् संग त्यागतो सतो वृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। वेरी नाइस माता जी, थैंक यू। उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्याग सतो वृत्ति, ये जो छह चीजें हैं ये भक्ति के अनुकूल हैं, इनको स्वीकार करें। अच्छा, भक्ति के प्रतिकूल क्या क्या छह चीजें हैं बताएगा?
नंदीमुखी माता जी बताएंगे। हरे कृष्णा, नंदीमुखी माता जी आप हैं? नेट इश्यू हो रहा है। नीरू माता जी बताइए। नंदी कांता माता जी, भक्ति के प्रतिकूल क्या क्या चीजें? अत्याहारा प्रयास च प्रजल्पो नियमाग्रह संग त्यागो संग दृढ़ विश्वास कि कृष्ण सब परिस्थितियों मेरी रक्षा करेंगे तथा कृष्ण के उत्तम रक्षक और कोई नहीं है, ये जब दृढ़ विश्वास है, पुत्र रक्षा कर सकता है ना, या हमारे सोल्जर्स हमारी रक्षा कर सकते हैं, तो ये सब भ्रम है। हमारी रक्षा एकमात्र कृष्ण कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। जब विश्वास जीव को हो जाता है तब वो प्रत्येक माता जी अपना वीडियो ऑफ करके ट्राई करें, आवाज कट रही है बहुत। अद्वैत दर्शन में क्या होता है कि जीव और भगवान में कोई अंतर नहीं है। अद्वैत फिलॉसफी में क्या बोलते हैं, जीव और भगवान में कोई अंतर नहीं। मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? माता जी कट कट के आ रही है, अगर आप वीडियो ऑफ करके बोले शायद। ओके ओके, हरे कृष्णा, अभी वॉइस ठीक है? हाँ जी माता जी ठीक है अभी। ओके थैंक यू। आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर आप वीडियो ऑन कीजिए, नहीं तो फिर क्लास अब बंद कर दीजिए, जब तक कोई बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, जैसे दामोदर बाहर है। तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, इफ यू डोंट अटेंड द क्लास देन प्लीज लीव द क्लास। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू कैन अटेंड, इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट क्लास ऑल्सो। इट इज सिंपल एंड मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी क्लास। इट इज वेरी ऑफेंसिव दैट इफ यू आर नॉट ओपन द कैमरा, it just for shake that I am present there. It's not look like that. It is a very important topic which we are discussing. हम बहुत important topic discuss कर, और अगर आप लोग अपना interest show नहीं कर सकते, मुझे एक दो लोग ही चलते हैं, ज्यादा लोग की जरूरत भी नहीं है, then please leave the meeting, no problem. तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अद्वैत दर्शन में क्या होता है, जीव अपने आप को क्या समझता है, भगवान है ना, जीव और भगवान में अंतर नहीं। तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम भगवान हैं इसलिए हमें हम भगवान हमारी रक्षा करेंगे, नहीं। हम ये जानते हैं कि भगवान करुणा निधि है, भगवान हमारी अवश्य रक्षा करें, ऐसा सोचकर जीव जो है भगवान के लिए प्रार्थना करता है कि भगवान हर पल, क्योंकि वो पढ़ता है, उसने कथाएं सुनी हुई है ना, कि किसी भी सिचुएशन में भगवान रक्षा करने के योग्य है, भगवान गर्भ में रक्षा। अद्वैत दर्शन क्या हुआ? अद्वैत दर्शन में जीव और भगवान एक समान है, ऐसा मानते हैं। जीव और भगवान में भेद नहीं है, भगवान और जीव समान है। तो ऐसा नहीं सोचता जीव कि हाँ अद्वैत बात की कि हम भगवान हैं इसलिए भगवान हमारी रक्षा करें, क्योंकि वी आर वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं सोचता। वहां पे ये सोचते हैं कि जीव जो है भगवान का अंश है, और भगवान करुणा के सागर है, और जीव पर कृपा दिखाते हैं, इसलिए हर परिस्थिति में रक्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सच्चिदानंद है, वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, और वो किसी भी सिचुएशन में रक्षा कर सकते हैं, चाहे माँ के गर्भ में हो, चाहे हम पाताल में हो। आपने कथाएं सुनी है कृष्ण की, अलग अलग लीलाएं, हमारे शरीर का देहांतरण भी हो गया हो, है ना, कोई भी अवस्था रहे, प्रलय आ गया हो, लेकिन एनी सिचुएशन कृष्ण जो है हमारी रक्षा अवश्य करते हैं, क्योंकि वो कैपेबल पर्सन, वो सही आश्रय तत्व, ये बात है। तो ये हो गया,
कृष्ण के पालन करता होने की दृढ़ता तथा निर्वाह हेतु किसी अन्य देवता का आश्रय नहीं लेना, है ना। जब ये विश्वास रहता है कि अवश्य रक्षवे कृष्ण, मेरा पालन कृष्ण करेंगे, तो कृष्ण मेरी रक्षा भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। किसी भी परिस्थिति में जो भक्त होता है किसी भी देवी देवताओं का या किसी और व्यक्ति का आश्रय ग्रहण नहीं करता, तो एक मात्र सदैव भगवान पर, गुरु व गौरांग पर ही निर्भर रहता है। नित्य स्मरण कि मेरी क्रियाएं जो है इच्छाएं स्वतंत्र नहीं है, अन्य शब्दों में भक्त कृष्ण पर पूर्ण निर्भय का अनुभव करता है ना, तथा कृष्ण की इच्छा अनुसार ही चिंतन विचार करना चाहिए। इसके छठा है कि वो सदा अकिंचनों के भी अकिंचन है और कृष्ण की कृपा पर पूर्णतः निर्भय होकर अनुभव करता है। भगवान क्या है? आत्मनिक्षेप कारपण्या। भगवान जो है, जीव भक्त जो अपने आपको बहुत दीनहीन मानता है, तो मानता ही नहीं, जीव की स्थिति ही दीनहीन है। हमें भौतिक जगत में क्या लगता है, आप सबके घर में विग्रह है, कितने लोगों के घर में विग्रह है, प्लीज रेज़ योर हैंड्स। विग्रह या चित्र है किसी के घर में? परम प्रेष्ठा माता जी के घर में चित्र नहीं है, है। गौरी के घर में चित्र नहीं है? ओके, चलो सबके घर में, थैंक यू। तो जैसे विग्रह है आपके, तो आप जब विग्रह को देखते हैं तो हमको क्या लगता है, हम सारी सेवाएं कर रहे हैं, है ना, हमें क्या लगता है सारी सेवाएं हम कर रहे हैं। लेकिन प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूर आत्मा कर्ता अहम। दिस इज द साइंस। हमें लगता है सारी सेवा हम करते हैं, इन यकीन मानिए हम पलक तक अपने आप नहीं झपका सकते, हम सेवाएं क्या करेंगे, यही मोह है। शास्त्र के अनुसार वापस सीखना चाहिए, दिख रहे हैं कि हम कार्य कर रहे हैं और ठाकुर जी बैठे हैं, लेकिन जो सही दर्शन है कि ठाकुर जी करते हैं, हम उनकी तरह बिल्कुल निष्कृष्ट बैठे हैं, हम कुछ नहीं है। इसलिए हमें कठपुतली बताया गया शास्त्र, कठपुतली कुछ नहीं कर सकता, उसी तरह जीव भी कुछ नहीं कर सकता अगर भगवान की उस पर कृपा। यहाँ पे बताते हैं कि इस तरह ये जो शरणागति के जो छह लक्षण हैं, वो शुद्ध भक्तों में पाए जाते हैं, वो इसके हिसाब से वो जीव शरणागति है। तो आप लोगों का होमवर्क है कि ये शरणागति के जो छह लक्षण हैं, एक एक लक्षण के बारे में आप थोड़ा लिखिएगा अपने शब्दों में, है ना, छह लक्षण लिखिएगा, सारे छह स्टेप, और इन छह स्टेप के बारे में अपनी भाषा में समझ के एक एक लक्षण को आप थोड़ा लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्या समझे आप इनसे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसको जरूर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद शुद्ध भक्त, फिक्स बता दीजिए थोड़ा फिर से, ये जो छठा वाला अकिंचन, अकिंचन मतलब अपने आप को दीनहीन मानना, है ना, भक्त अपने आप को दीनहीन मानता है। तो वो मैं ये एक्सप्लेन कर रही थी कि जो दीनहीन मानता था, ऐसा नहीं कि वो दीनहीन नहीं है इसलिए और मान रहा है, नहीं, जीव दीनहीन ही है, जीव कुछ नहीं कर सकता। तो ये शास्त्र से जब हम नॉलेज पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि एक्चुअल में हम कुछ नहीं कर सकते, करते केवल ठाकुर जी हैं, लेकिन दिखता है प्रकृति के मोह के कारण कि हम बहुत कुछ करते हैं। श्रीमद् भागवतम का श्लोक देकर बताया बहुत ही सुंदर कि जो व्यक्ति समस्त सकाम कर्मों को त्याग देता है, मत्यो यथा यदा त्यक्त समस्त कर्मा, यदि व्यक्ति समस्त काम कर्मों को त्याग कर मेरी सेवा की तीव्र इच्छा से पूर्णतः मुझे अर्पित कर देता है, तो वो जन्म मृत्यु से मुक्ति पाता है। देखिए, हमने बताया हमारी रियल प्रॉब्लम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है, केवल कृष्ण की शरणागति ग्रहण कर तथा ऐसे निजी ऐश्वर्य में हिस्सा पाने के लिए के पद पर पदोन्नति भी करता है। और भगवान के जो ऐश्वर्य है, भगवान के जो ऑपुलेंस है, उसमें भी वो हिस्सेदारी, यानी भगवत धाम जाता है ना, भगवान के जो धाम में भी उसको। ऐसे भक्ति में जीवन तक उत्थान हेतु व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों का पालन करना होगा, किंतु भक्ति में जीवन तक पहुंचने पर भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं बहुत अच्छे स्तर पर आ गया हूँ, 15-16 साल मेरे भक्ति के लिए हो गए हैं, लगभग मैं हर चीज के बारे में जान गया हूँ, सभी भक्तों के बारे में मैं जान गया हूँ, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये भ्रम शास्त्र कह रहा है, तद मृत्यु अति पद्मातो मयात्मा भूयाच कल्पते, है ना। तो निर्देशों को ठीक से पढ़ के ठीक से पालन करना चाहिए।
भक्ति में कभी भी फॉल डाउन हो सकता है. दिस इज द ब्यूटी ऑफ भक्ति. भक्त में, भक्ति के मार्ग में कब कौन अजामिल जो है वो तर जाएगा और कब कौन जड़ भरत का फॉल डाउन हो जाएगा ये नहीं कहा जा सकता. से भक्ति में हमेशा सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है. हम जितना परिपक्व होते हैं उतना ज्यादा हमसे आशा की जाती है कि हम वैष्णव गुण विकसित करें. देखिए, तीन तरह के जल होते हैं. एक होता है समुद्र, समुद्र का जल होता है ना, समुद्र में पाया जाने वाला जल. दूसरा होता है नदी का जल और तीसरा होता है नाली में बहता जल. समुद्र का जल खारा होता है ना, खारा होता है. क्यों? क्योंकि समुद्र केवल लेना जानता, सारी नदियां आके मिलती हैं, है ना, वो देना नहीं जानता, इसलिए कैसा होता है, खारा होता है. लेकिन नदियां क्या करती हैं, देती हैं, देने की प्रवृत्ति होती है, सदैव बहती रहती है और देती रहती है जीव को, हर किसी को. पौधा आएगा, पेड़ आएगा, जीव आएंगे, जंतु कोई आएगा, उसके प्यास बुझाना, उसका वो देना, देती रहती है और बहती रहती है. लेकिन नाली का पानी ये दोनों में से कोई काम नहीं करता. एक तो वो बहता नहीं है, स्टॉप हो जाता है, और दूसरा किसी को कुछ देता नहीं, इसलिए उसमें से बदबू आती है. उसी तरह से जो भक्त, भक्तों के जीवन में भी ये सब चीज है. भक्त जो है नदी के समान, उसको देता है, लोगों को देता है, अपनी भक्ति भी ग्रहण करता है, लोगों को देता है. तो भक्तिमय सेवा के द्वारा जीव जो है उच्चतर पद को प्राप्त कर सकता है और अपनी सारी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकता है. तो भक्तिमय सेवा प्रत्येक जीव के अंदर है. हमें कुछ विकसित नहीं करना, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, ऐसा नहीं कि हम आज से शुरू कर रहे हैं, नहीं. ये जीव की अपनी ओरिजिनल स्टेट है, भगवान को सुनना, भगवान के बारे में जानना. लेकिन हो क्या रहा है, हम भूल गए भगवान को, इसलिए सारी चीजें सुप्त अवस्था में है. लेकिन जब हम एसोसिएशन करते हैं तो ये चीजें बढ़ जाती है. यहाँ पे बताया गया है कि जब हम इस प्रकार नियुक्त, जब तक जीव जो है सेवा में नियुक्त नहीं होता, रोग ग्रस्त होता है, किंतु जैसे ही अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाना शुरू करता है वैष्णव एसोसिएशन में, वो अपनी स्वाभाविक स्थिति यानी कृष्ण का है वो, ये जो स्थिति है उसकी होता. मैं अभी इसमें से जो अभी के दो पैराग्राफ है उसमें मैं चाहूंगी कि आप लोगों में से कोई मुझे एक्सप्लेन करके बताए कि इसके बाद प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देश के अनुसार और गुरु के मार्गदर्शन में शास्त्रीय निर्देशों का पालन करें, इसको कोई एक्सप्लेन कीजिए अपने वर्ड्स. सिंपल है. हाँ, नंदी मुखी माता जी बताए. माता जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट. जो शास्त्र में दिए गए हैं और गुरु के जो प्रमाणिक परंपरा के द्वारा जो गुरु होते हैं उनके निर्देशनों में कार्य करना, मतलब भगवान की सेवा करना, अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर भगवान की सेवा करना, उनको भगवान की सेवा में नियोजित करना. और जो भगवत गीता है, भागवतम है, चैतन्य चरितमृत, उनके जो शिक्षाएं दी है उनको सुनना और उनको मन करना और उसमें अपने को लगाना, यानी कान को भगवान की सेवा में लगाना. और ऐसे ही जो आध्यात्मिक ज्ञान के कई प्रमाणिक ग्रंथ हैं, क्योंकि जो भगवत गीता और भागवतम सबसे सर्वश्रेष्ठ है, है ना. और नारद सूत्र में भी, नारद भक्ति सूत्र में भी भगवत गीता और भागवतम का सारांश बताया है, है ना. तो उसमें बताया गया है कि जो ये नारद भक्ति सूत्र है बहुत ही महत्वपूर्ण है, है ना. और इसको हमें कैसे सीखना है, इसको हमें जितने बार भी सुनेंगे, जैसे अलग अलग ही बताया मैंने, उनका सुना था भक्ति आस्थे महाराज का सुना था, उनका बिल्कुल डिफरेंट था, मतलब उनका लेवल ऊंचा था, हमारे लेवल के, हमारा लेवल बहुत नीचा है, तो मेरे को समझ में नहीं आया. इसलिए ज्यादा हाई फाई हम बताएंगे तो फिर आप लोग सो जाएगा. अभी जैसे बता रहे थे सब सो रहे थे, इतने में ही सब सोने लगे थे, थोड़ा सा सोचे थे आज थोड़ा अपलिफ्ट करेंगे तो फिर थोड़ा सा मुझे लगा वापस ही वापस आ जाते हैं. नहीं माता जी, हमारे लेवल का बहुत अच्छा बताते हो आप. तो इसमें मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आया, वही 11वां मैं सुना पर लेकिन समझ में नहीं आया, इसलिए पहले अपना लेवल समझ लेना चाहिए तो आगे बढ़ना चाहिए. तो ठीक है, बहुत अच्छा माता जी ने बताया कि प्रामाणिक निर्देश में जो हमारे परंपरा में जो गुरुजन है वो जो हमें आदेश देते हैं उनके हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए. इंद्रियों को सेवा मिलाए, जैसे कान को बहुत कुछ सुनता है, तो सबसे जो बड़ी सेवा जो शुरू होती है भक्ति की वो है कान से सुनना.
है ना, माता जी ने एक्सप्लेन किया कान से सुना, तो मैं प्रामाणिक आचार्यों की तरह भगवद गीता भागवतम जैसे हम नारद भक्ति सूत्र पढ़ रहे हैं इनको सुनना चाहिए अच्छे से, है ना। तो क्या होगा, श्रवण जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, यही से भक्ति शुरू होगी। यस प्रेमंजलि एक्सप्लेन करो इस क्या नेक्स्ट की यही वाला इसी को भी अभी माता जी ने प्रामाणिक गुरु द्वारा इन्हीं दो ग्रंथ। माता जी जो हमारे जो शास्त्र होते हैं वो हमारे को डूज एंड डोंट बताते, बेसिकली हमको अपने अनर्थों को अपराधों को दूर करना है, तो उसका तरीका क्या है वो हमारे आचार्य बताते हैं हमारे को। अनर्थ क्या है, हमारी अनवांटेड हैबिट्स हैं, हमारी सेंसेस हैं, तो उनको हमें मटेरियल लाइफ को जो है हमने समाप्त नहीं करना, उसको स्पिरिचुअलाइज करना है। तो हर चीज को भगवान की सेवा में कैसे यूज करेंगे उसका जो तरीका है वो हमारे को शास्त्रों से अपने वैष्णवों से और गुरु के मार्गदर्शन पे करना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है वो हमारी जो कार्य करने की क्षमता है उसको जो नेचर है हमारी उसके हिसाब से हमारे को सर्विसेज में एंगेज करते हैं ताकि हम अपनी सेंसेस को शुद्ध कर सके और भगवान के करीब। हाँ बिल्कुल सही है कि यहाँ पे बताया गया कि प्रामाणिक जो गुरु होते हैं उनको पता होता है कि हमारा क्या स्तर है, उसके हिसाब से फिर वो हमें सेवा करता है। ठीक है आनंद प्रदा इसके बाद एक्सप्लेन करो आप दो लाइन कि गुरु के मार्गदर्शन। गुरु के मार्गदर्शन मतलब जी उसे प्रमाणिक गुरु कहा गया है, तो प्रमाणिक गुरु जो है वैसे जैसे बताते हैं कि गुरु तो बहुत मिलते हैं आजकल जो इस कलयुग में, हर हर जो थोड़ा सा ग्रंथ पढ़ जाता है या कोई परंपरा को पालन करता है तो की तरह जैसे ना बहुत सारे गुरु हैं, जैसे हम लोग देखते हैं अगर टीवी में भी देखते हैं तो कितने सारे चैनल हैं जिसमें हर तरह के भिन्न भिन्न जो है वो गुरु जो है वो कथा कर रहे हैं, लेकिन ये जो सब कथाएं हैं ये सिर्फ अपने अपने सुख की है, मतलब अपने नाम के लिए अपने यश के लिए, इसमें श्रोता को जो है ना कुछ ज्ञान नहीं जाता क्योंकि इसके बदले में इनको धन मिलता है। तो ये जो ये वाला ज्ञान है ये शुद्ध ज्ञान नहीं है, और जो प्रमाणिक गुरु है उसका एक ही लक्ष्य है अपने जो जितने भी शिष्य हैं, जैसे हम लोग जब दीक्षा ली थी तो हमें बोला गया था कि हम आज से हमारा नया जीवन शुरू हुआ और पहले के किए हुए सभी कार्य पाप पुण्य जितने भी जो भी कुछ है वो आज सब हट गए और हम पूरी कोरी स्लेट हो गए, पूरी कोरी स्लेट हो गए, और अब आज से हमारा नया जीवन शुरू है और इस भक्ति में जीवन को हम कैसे लेके जाना है वो हम पर डिपेंड करता है। तो इसलिए गुरु जो है वो हमारे जीवन को एक नई दिशा देते हैं और हमें भगवान तक जो है प्रमाणिक गुरु हमें जो है वो हमारे को भगवान के जो हमारा अंतिम लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति उनके लोक की प्राप्ति उस तक हमें पहुंचाते हैं। थैंक यू सो मच। ओके सुकुमारी माता जी ये दो पैराग्राफ डील करिए, रागानुगा भक्ति और वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति, उसने कहा कि जो है जब हम लोग ग्रंथों का पालन करते हैं तो उसने पहले तो मेन चीज तो यही बताई गई कि दो प्रामाणिक ग्रंथ हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जो है इसका वो करना चाहिए हमें, और जो ये नारद भक्ति सूत्र हम पढ़ रहे हैं वो भी इन्हीं दोनों का सारांश है। और उन्होंने कहा कि कहा जा रहा है इसमें कि गुरु के मार्गदर्शन में जब हम करते हैं पालन किसी गुरु के मार्गदर्शन, तो गुरु जो है हमें वैधानिक सिद्धांतों को बताते हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से हमें इसका पालन करना चाहिए। तो जब गुरु के आदेशानुसार हम नियमों का पालन करते हुए भक्ति के सिद्धांतों का पालन करते हैं उसे वैधि भक्ति कहते हैं, साधन भक्ति का एक पाठ होता है। और दूसरा होता है रागानुगा भक्ति, जब हमारे को स्पॉन्टेनियसली खुद स्वतः स्फूर्त हमारे अंदर भक्ति के नियमों को पालन करने की इच्छा जागृत हो जाती है, अपने आप से हम उसे करने लग जाते हैं, उत्साह पूर्वक करने लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रागानुगा भक्ति। थैंक यू सो मच आदि जी। अभी सच्चिदानंद प्रभु जी ने भी क्लास दिया था जपा टॉक, लोगों ने सुना था, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में ही डिस्क्राइब किया। उनका ये कहना था कि व्हेन वी आर चैंटिंग एंड नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर हम चैंटिंग करते हैं लेकिन भक्ति के नियम और विधियों का पालन नहीं करते और हम सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा एलिवेशन, बहुत हमारा प्रगति हो जाएगा, हम भगवान को प्रसन्न कर लेंगे, तो ये मिथ्य धारणा है, ये गलत धारणा है। ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। तो हमें पहले ये समझना होगा कि साधना भक्ति क्या होता है। तो कृते साध्य भवे साध्य, साधना भक्ति का मतलब होता है कि उसका लक्ष्य होता है भाव। साधना यानी विधि विधान का इसलिए पालन करना है कि हम भाव भक्ति तक पहुंच सके। तो साधना भक्ति, आप सबने भक्ति रसामृत सिंधु जिन्होंने भक्ति शास्त्री से किया है
उनको ये सब चीजें थोड़ा सा याद आ रही होंगी जब हम पढ़ रहे हैं। तो साधना भक्ति का मतलब कहता है कृते साध्य भवे साध्य। तो जब हम भक्ति करते हैं तो कुछ नियम होते हैं, उन नियम का परिकृष्ट अवस्था क्या होता है कि हम भाव भक्ति के स्टेज पर आ सकते, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। पढ़ा है ना आप लोगों ने ये स्टेप्स जो है भक्ति के, तो इसमें फिर ये भाव एंड प्रेम पे जाते रुचि आ सकती भाव एंड प्रेम। तो जो साधना शुरू करते हैं भाई, शुरू की अवस्था में हम अभी मेटीरियल जगत से आए तो हमारे अंदर एकदम से निष्ठा या रुचि और आसक्ति तो हो नहीं जाएगा, तो हमको कुछ नियम बताए जाते हैं, है ना। हमें 16 माला का जप करना है ना, हमें मांसाहार नहीं करना है, हमें व्यभिचार नहीं करना है, मेडिटिंग नहीं करना है, अपराध नहीं करने हैं। तो ये क्या बताए जाते हैं, डूज एंड डोंट्स। 16 माला करनी है, एकादशी व्रत करना है, तिलक लगाना है, वैष्णव सेवा करना है, श्रवण करना है, ना? तो ये क्या हुआ है, ये करना है ना, डूज है एंड डोंट्स। तो रेगुलेटिव जो प्रिंसिपल्स होते हैं, विधि विधान जो होते हैं, इनका लक्ष्य होता है ये कृष्ण प्रेम कर जाए। जैसे 16 माला पहले करनी सीखना है, 16 माला होता क्या है करना है, लेकिन ये करना ही लक्ष्य नहीं होता। फिर उसके बाद आगे बढ़ते भाई अपराध भी है, फिर हम अपराधों को पढ़ते हैं, उनको धीरे धीरे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, फिर धीरे धीरे मिनिमाइज करते हैं, तो नामाभास के स्टेज पर आते हैं। लेकिन शुद्ध नाम अभी प्रकट नहीं। शुद्ध नाम कब प्रकट होता है, जब हम अपराध को बिल्कुल खत्म कर दे, है ना, और भगवान में आ सकते हो जाते हैं। शुद्ध नाम जब हम ले लेते हैं तो हम फिर भाव और प्रेम की अवस्था तक जाते हैं। तो ये लक्ष्य है साधना भक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि रागा ना, जब साधना भक्ति से शुरू करनी चाहिए चीजों, हमें ये करना पहले सीखे, करने के बाद धीरे धीरे उसमें स्नेह और प्रेम लाना शुरू करें। और रागा राग में क्या होता है कि हमें शासन से नहीं कराया जाता, कोई शासन होगा साधना रिपोर्ट में भरना इसलिए करें ऐसे शासन की जरूरत नहीं पड़ती, हमें स्वतः ही इतना आनंद मिलने लगता है कि हम धीरे धीरे उसको अपने आप करते हैं। बिना शास्त्र शासन के जब हम करते हैं तो ये रागानुगा भक्ति हो जाता है, मतलब हमको अच्छा लगता है ना, तब इसको रागानुगा स्टेज कहते हैं। रागानुग भक्ति के स्तर पर प्रगति करने के इच्छुक को गुरु के निर्देश में प्रामाणिक शास्त्रों के निर्देशों का पालन करना चाहिए। अगर कोई वैदिक भक्ति में ही रहना चाहता है तो वैदिक भक्ति में अगर वो रहता है तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता, प्रेम नहीं प्राप्त कर पाएगा। लेकिन हमारे जो वैष्णव परंपरा है, गौड़िया वैष्णव सिद्धांत है, मध्व गौड़िया सिद्धांत, इसमें साधना भक्ति हम बस वैदिक भक्ति उतनी देर के लिए ले लेते हैं जिससे राग उत्पन्न हो सके। हम प्योर वैदिक भक्ति का पालन नहीं करते, वैदिक भक्ति का लक्ष्य अलग है। हम गौड़िया वैष्णव वाले लोग वैदिक भक्ति को उतना ही लेते हैं जिससे रागानुग उन्मुख हो सके, राग आ सके हमारे, क्योंकि हमारा लक्ष्य माधुर्य प्रेम है। समझ में आ गया, माधुर्य प्रेम है, और माधुर्य प्रेम में भी हमारा विप्रलंब भाव संयोग नहीं है बल्कि वियोग जो है, जो कि टॉप मोस्ट अवस्था है, वो हमारा लक्ष्य है। तो यहाँ पे ये सब चीजें समझना होगा। तो सूत्र 12 में इसीलिए बताया गया है कि भक्ति में सेवा जो है वो प्रामाणिक गुरु यानी एक्सपर्ट गुरु के निर्देशन में करना चाहिए, बहुत जरूरी है। यस, अनम्यूट योरसेल्फ। सो कुमारी, यू वांट टू से एनीथिंग? भक्ति में सेवा के उत्कृष्ट स्तर पर व्यक्ति को भी शास्त्रों के विधि विधान का पालन करना चाहिए, उस स्तर के नीचे के व्यक्ति को तो करना ही क्या, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए भाव भक्ति पर आ गए हैं तो अब हमको कोई नियम पालन करने की जरूरत नहीं। भाव भक्ति पर आकर जड़ भरत का पतन हुआ था। जड़ भरत महाराज की कथा सुनी आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुनी है जड़ भरत की कथा? हाथ खड़ा कीजिए, ज्यादातर लोगों ने सुनी है, ठीक है। जड़ भरत जब भाव भक्ति के स्टेज पे पहुंच गए थे, लेकिन उनका एक आसक्ति हिरण के प्रति उनको वापस जन्मों में लेके गया, है ना। तो ये सब ध्यान रखना चाहिए। तो हम अभी जो रागानुगा तो भय ही नहीं, कम से कम शासन में कम से कम हम अपना रिपोर्ट वगैरह भरें, अपने से हम ऐसे लोगों को चूज करें जो हमें भक्ति में आगे बढ़ाएं, अपने से जाना चाहिए हमें। जब बता रहे हैं
भक्ति सेवा के नौसिखियों को विशुद्ध भक्ति में सेवा के स्तर तक उठाने हेतु गंभीरता एवं तत्परता से शास्त्रों के विधि विधानों का अनुसरण करना चाहिए। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, गंभीरता और तत्परता, उत्साह एंड निश्चय है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो गंभीर होना चाहिए और उसको बहुत उत्सुक होना चाहिए, है ना, कैमरा बंद करके पीछे नहीं बैठना चाहिए, उनको उत्सुक होना चाहिए। जैसे जैसे बताएगा कि भक्ति में दृढ़ता से वैधी भक्ति का जो अभ्यास करता है उसमें क्या, जो वैधी भक्ति का, वैष्णव के लिए वैधी भक्ति क्या है, तस्मात सर्वे, तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्यस्य स्मृतस्य दद्भास्य, भगवान कृष्ण का श्रवण करना, स्मरण करना, कीर्तन करना, उनकी लीलाओं के बारे में सुन, भक्ति में प्रगति में गंभीरता पूर्वक जब हम ये कार्य करते हैं तो प्रगति, ये वैधी भक्ति। भक्तों के लिए वैधी भक्ति क्या है, हाँ, भक्ति में सेवा में गंभीरता पूर्वक प्रगति चाहने वाले व्यक्ति को सदा, ये सब श्लोक है, गंभीर बनना चाहिए, हम गंभीर नहीं है, कैसे बन सकते हैं, ये फिलॉसफी। भक्ति में सेवा में करने के लिए हमें परम पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण, कीर्तन, उनकी लीला का श्रवण करना चाहिए। और विधि विधायक पालन में जो प्राथमिक सिद्धांत है वो क्या है, कि अगर हम ये जो साधना भक्ति कर रहे हैं वो किस प्रिंसिपल पर हम करें, तो वो बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी भी, कहीं का भी, कोई भी लिविंग बींग हो, वो सब भगवान का अंश है, विराट से निकला हो। शास्त्र में बताया गया है जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये कहाँ कहाँ से निकले हैं, उनका विवेचन किया गया है कि ब्राह्मण मुख से है, क्षत्रिय बाहु से है, वैश्य जंघा से उत्पन्न है, और शूद्र जो है वो चरणों से निस्सृत से भगवान के निकलते हैं। लेकिन एक बॉडी को चलाने के लिए सभी अंगों की जरूरत होती है ना, क्यों प्रेम मंजरी, अगर आपकी बॉडी है और पैर ना हो तो सारे के सारे, सारे अंग चाहिए, राइट, यानी सभी इंपॉर्टेंट है। आप सब लोग सहमत है ना इस बात से, तो ऐसा नहीं कि एक समाज को चलाने के लिए केवल ब्राह्मण होना चाहिए, शूद्र भी बहुत जरूरी है, वैश्य भी बहुत जरूरी है, समझ गए। तो एक अच्छा समाज में ये चारों चीज होनी चाहिए, और इन सब की उत्पत्ति भगवान के द्वारा है ना। तो ये जब हम शास्त्र पढ़ते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारा दृढ़ निश्चय बनता जाता है, हम भगवान के हैं, भगवान को छोड़ दिया है इसलिए दुख प्राप्त है, इसलिए सारी प्रॉब्लम, भगवान को वापस जाना है। कैसे जाएंगे, श्रवण कीर्तन के द्वारा। और चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग में सबसे सिंपल उपाय बताया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कोई नियम नहीं है, आप इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए और अपना जीवन उत्कृष्ट करें भगवान से संबंधित। तो पद्म पुराण में शास्त्र के सभी विधान का सार किया गया है, विष्णु कृष्ण का सतत स्मरण करना चाहिए, कभी विस्मरण न हो, स्मृत्यव्य सततम विष्णु विस्मृत्यव न जाति चित, ये जो श्लोक है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैदिक भक्ति में, हमें भगवान को कभी नहीं भूलना है, भगवान को सदैव याद करना है, यही एक दो प्रिंसिपल है जो भक्ति में आते हैं ना, भगवान का स्मरण करते, भगवान का स्मरण कराने वाले प्रत्येक क्रिया भक्ति के वैधानिक सिद्धांत है, और जो भगवान को जो भुला देते हैं वो हमें अच्छे सिद्धांत नहीं। चैतन्य चरितामृत में 64 अंश अंग दिए गए हैं, इनका जब हम पालन करते हैं तो ये 64 अंग जो है हमें भगवान के ऊपर भक्ति के लिए लेके जाते हैं, भगवान के उन्मुख करते हैं। तो 64 अंगों में जो प्रथम तीन है वो गुरु को स्वीकार करने पर महत्व देते हैं। फर्स्ट तीन आप देखेगा मेरे बताएंगे, गुरु स्वीकार करना चाहिए, दीक्षा लेनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। फिर उसके बाद दीक्षा एवं गुरु की सेवा क्यों महत्वपूर्ण है, क्या है, इसके बारे में एक्सप्लेन। फिर उसके बाद लास्ट में जो हमने देखा था पांच जो है ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 64 अंगों में जो लास्ट पांच के हैं, अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर पाता, केवल इन पांचों में कोई पालन कर लेता है तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। देखिए कितना सुंदर बताया है ना, साधु संग, नाम संकीर्तन,
विग्रह सेवा, विग्रह सेवा श्रद्धया। एक मिनट, श्लोक ये नहीं है, श्लोक ये साधु संग नाम संकीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्ते श्रद्धाए सेवन सकल साधन श्रेष्ठ एई पंचिर अंग कृष्ण प्रेम जन्माइले एई पंचिर अल्पसंग। थोड़ा अल्पसंग से भी आपको बहुत है। फिर रूप गोस्वामी सोचते हैं कि कलियुग की लोग शायद पांच ना कर सके, तो इन पांच में से कहते एक कर लो, वह है नाम संकीर्तन। लेकिन नाम संकीर्तन कब होगा? जब ये पांचों आप करेंगे। नाम संकीर्तन आप खाली बैठने से, जब आप धाम वास करेंगे तो आपका नाम संकीर्तन अच्छा होगा, जब साधु संग करेंगे तो आपका नाम संकीर्तन अच्छा होगा, अपराध कम होंगे, है ना, जब आप और श्रद्धा से भगवान विग्रह की सेवा करेंगे तब आपका साधु नाम संकीर्तन अच्छा होगा, है ना। कि जो नाम जप बोल तो दिया कि केवल नाम जप, लेकिन ये बाकी चार जब हम करेंगे तो ये नाम संकीर्तन हमारा शुद्ध होगा। इस तरह से जब हम ये दृढ़ विश्वास हो जाए, जब हम शास्त्र पढ़े और हमें दृढ़ विश्वास हो जाए कि भक्ति में सेवा के द्वारा ही हम या भगवान की शरणागति, भगवान के शरणागत होकर ही जीव जो है वो सुखी रह सकता है, तो जीव जो है इन शास्त्रों की आज्ञाओं को, मैंने बताया टैप फॉर्मूला TAB, अपनी थिंकिंग को मिरेकल थिंकिंग कर देता है। यानी देखिए, हम सबसे ज्यादा जो संग है अपने मन का करते हैं, करते हैं ना, सबसे ज्यादा संग हम अपने मन का करते हैं। तो इस मन को मित्र बनाना, और मन मित्र कब बनता है? जब कृष्ण भावना में बुद्धि के द्वारा ये कंट्रोल हो। कृष्ण भावना में बुद्धि कैसे आती है? शास्त्रों को पढ़ने से, वैष्णव के साथ शास्त्रों से पढ़ने से बुद्धि आती। तो जैसे मान लीजिए कोई आपका, जैसे मान लीजिए कोई ऐसी घटना घटी, मान लीजिए आपका किसी ने धोखा दिया, मान लीजिए अभी आप भक्ति कर रहे हैं और एक भक्त ने आपको धोखा दिया, किसी भी चीज में धोखा दे दिया कि आप तो वैष्णव हैं और वो भी वैष्णव थे, आपने बहुत विश्वास किया, अब थिंकिंग आपकी कैसी आएगी? ये डिपेंड करता है कि आपका क्या बैकग्राउंड है। जैसी थिंकिंग होगी वैसा ही आपकी मनोवृत्ति रहेगी और वैसा ही आपका बिहेवियर। एक थिंकिंग रहेगी, ये व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, वैष्णव होके इसने मेरा ऐसा किया, जगह जगह निंदा करना, जगह जगह बोलना, मन में भी कटु विचार रखना, जब देखना उसको तब उसके प्रति घृणा भाव। अगर हम किसी एक व्यक्ति के साथ भी घृणा करते हैं तो हम समदृष्टि कैसे हो सकते? अगर हम समदृष्टि नहीं है तो हम कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। तो यहाँ पे फिलोसफी समझनी पड़ेगी, जो हमने तथ्य अनुकंपा सुसमीक्षा मानो वाले जो श्लोक है उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि कैसे आत्मकृतम रिपका। जब जीव ठीक से शास्त्र को पढ़ता है, समझता है कि उसके आसपास की जो परिस्थितियां हैं, कुछ भी हो रहा है, जब तक वो ब्लेमिंग मूड में रहेगा, दूसरों पर प्रत्यारोपित करता रहेगा चीजें, चाहे सिचुएशन पर, चाहे व्यक्ति को, चाहे घटना को बार बार करता रहेगा, तब तक वो अपना सुधार नहीं कर सकता। और जीव शोक और मोह में चला जाएगा, ये रोता रहेगा, हमेशा रोता रहेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा। चीजों को सही से समझना होगा, कैसे समझना होगा कि हमारा ही साथ जो कुछ भी हो रहा है एक्चुअल में हमारे ही कर्म हमें रिवर्स हो रहे हैं। ये जो लोग हमें दुख दे रहे हैं, ये विभिन्न परिस्थितियां जो हमें दुख दे रही हैं, ये तो पोस्टमैन की तरह है। तो क्या करेगा जीव? क्षमा करेगा। क्षमा किसलिए करेगा? ताकि वो इन परिस्थितियों से निकल सके। अगर हम क्षमा करना नहीं सीखेंगे, सहनशीलता अपने अंदर नहीं लाएंगे, हम और अंदर अंदर फंसते जाएंगे, क्योंकि हम रोज उस व्यक्ति की निंदा कर रहे हैं, हम रोज उस सिचुएशन की निंदा कर रहे हैं, हमारे अंदर ग्लानि है, तो हमारा जप नहीं अच्छा। तो
तो क्या करना चाहिए, एक दिन में तो ये प्रोसेस होगा नहीं, इसके लिए ठीक से बैठना चाहिए, ठीक से संग करना चाहिए, इमेजेस बनाने चाहिए, संकल्पा मंत्र बनाने चाहिए, मनन बनाने चाहिए, ऐसे हमारे सामने आदर्श होने चाहिए जिन्होंने जो कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब जाके कहीं हमारा जो थिंकिंग है वो बनेगा। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, अगर ज्ञान आगे रहता है तब आप निर्णय ले पाएंगे क्या गई सही है क्या गलत है, जब ज्ञान पीछे रहता है तो हम सोचते हैं ये भी सही है ये भी सही है, समझ में आया, ये भी सही है ये भी सही है। और जब ज्ञान एकदम ही सो जाता है तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम अपने मन से ऊपर नीचे काम, ज्ञान पढ़ते हैं तो आगे होना चाहिए, आगे इन द सेंस रिमेम्बरेंस में होना चाहिए। तो रिमेम्बरेंस में कब होता है, जब हमारा रिपीटेशन होता है, जब हम पढ़ते हैं करते हैं तो हमें संकल्पा मंत्र बनाने चाहिए, कुछ क्लूज बनाने चाहिए, प्रचार करना चाहिए, कुछ ऐसी एक्टिविटीज करना चाहिए कि हमारा वो जो ज्ञान है वो हमेशा रिफ्रेशिंग मोड में रहे, ज्ञान को पीछे नहीं ले जाना। हाँ एक बार पढ़ा था हमने भागवतम में वो तो हाँ सुना सुना सा तो लग रहा है, लेकिन हम बार 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 नहीं जा रहे, प्रचार करने से भी बहुत कुछ होता है, कृपा प्राप्त होती है, वैष्णव की सेवा करने से कृपा प्राप्त होती है, जिनके पास ज्ञान होता है उनकी सेवा करने से, उनका आशीर्वाद से भी हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ना? क्योंकि हृदय में वो प्रस्थापित कर देते हैं। डीटीज के पास जाने पर, विग्रह के सामने जाकर आप वैष्णव गीत गाते हैं, भगवान से अनुनय विनय करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो भगवान बुद्धि प्रदान, क्योंकि देते तो बुद्धि ठाकुर जी है। तो ये सब जो शास्त्र में आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल बता रही हूँ कि कैसे दृढ़ विश्वास होगा अकेले कृष्ण भक्ति को ले सर्व कर्म देखो। ये शरणागति, जब ये व्यक्ति को विश्वास होता है तो जीव केवल शरणागत होता है भगवान। आज मैंने टाइम थोड़ा ज्यादा ले लिया, 25 मिनट ज्यादा हो गया, क्षमा कीजिएगा। श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। किसी का कोई